हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई आज हमारा सीए इंटर ग्रुप वन वाला कौन सा लो का पेपर, ठीक है। और आज का पेपर थोड़ा तड़कता भड़कता होने वाला है और हमारी भी तैयारी ऐसी है, मतलब पढ़ता हम बहुत ज़्यादा रहे हैं। और अभी हमने स्टार्ट करा व्लॉग सीधा सेंटर के पास आके, बट अभी हम घूम रहे हैं, थोड़ा टाइम है। तो मैं सीधा बात करवाता हूँ करण से कि उसकी तैयारी कैसी है, बताओ भाई। राम राम भाई। राम राम भाई। ये सीन कुछ ऐसा है, हाँ कुछ भी नहीं पता यार, कंटेंट इतना सारा है ना इसमें। एक तो इसकी लिमिट, इसके दिन, 30 दिन, 60 दिन, 7 दिन, 1/10, 10%, सब चीज़ अलग अलग लिखी है। अच्छा, देखते हैं कितना याद आता है, कितना रिकॉल हो पाता है। और साथ में अदर लोग वो तो है ही, बोनस है वो तो अलग से। ऐसे है ना, मतलब सही से ना, समझ रहे हो ना, समझ जाओ। अब हमारी तरफ से तो तैयारी है कि हाँ भाई ठीक है, भाई क्या होगा बाकी एग्जाम में। अब वंशिका से पूछते हैं, बताओ कैसी तैयारी है तुम्हारी लो के लिए। तैयारी एवरेज एवरेज है जैसे पहले थी, बट देखते हैं कितना याद करते। बहुत सारा सिलेबस है, इतना सारा है कि याद करना बहुत मुश्किल है। और उस सिलेबस में भी चीजें ऐसी ऐसी है, 30 दिन, 60 दिन, परसेंट ये वो, सारी सिमिलर चीजें। और पेनल्टी तो इतनी सारी कि उन्हें कितना भी याद करना चाहो नहीं कर सकते, वो याद ही नहीं करता भाई कोई। तो भाई देखते हैं क्या होता है। अब ये होता क्या, तूने अपनी तरफ से 100% लगाया है? थोड़े हवा में थे, फिर हमने पूरा अपना 100% लगाया आपकी। आज तो मेरा खेलने का भी मूड नहीं है। आज हम कुछ नहीं लेके आए भाई, आज हम सीधा पेपर देंगे, बातचीत कर लेंगे थोड़ी बहुत। भाई तूने भी अपना 100% दिया है, बता। चैप्टर 7 ले गया इसका एक दिन पूरा। अरे कुछ ना लेके गया, अरे भाई वो चैप्टर ही बड़ा यार, क्या करें। एक दिन तो नहीं, खैर उसमें लगभग 3 घंटे लग गए थे। हाँ तो इतने तो लगने ही थे। हाँ, तो बड़ा चैप्टर तो है ही वो। अच्छा, बट इसका थोड़ा शाम के टाइम पर थोड़ा डिस्टरबेंस हो गया था, जो ये बता रहा था। भाई इसका हो गया था डिस्टरबेंस, फिर इसने बाहर आके पढ़ा पुल पे, फ्लाईओवर पे हमने पढ़ा था रात को, पुल पे रात को 10 बजे, 10:30 बजे घर पहुंचे हम, अपन दोनों ही थे। हो गया था सही सिस्टम उस टाइम। भाई हमारी तरफ से पूरी तैयारी है, अब पेपर जैसा आएगा देखी जाएगी। और फिर एंड में बने रहना, अभी मैं तुम्हें दिखाऊंगा सेंटर पे अगर कुछ सीन होता है तो अंदर, ठीक है। बाकी तुम्हें एंड में पेपर रिव्यू देंगे और बताएंगे क्या क्या है, क्या चीज आ रखी है, कैसे क्वेश्चन है। मिलता है तुम्हें बाद में। संतरे खाओगे? इसका खाने का मन कर रहा है, ले लेते हैं अभी। भाई सीन ऐसा, अभी हम यहाँ पर 1 बजा हुआ है, मतलब 1 से ज्यादा हो गया, 1:07 हो रहे हैं, और 1:30 बजे एंट्री आती है। और दिक्कत देखो यहाँ पे एक भी बंदा, मतलब ज्यादा भीड़ नहीं है ऐसे कल थी। यहाँ पर देख लो थोड़े बंदे यहाँ पे है, और ये अपने बंदे खड़े हैं यहाँ पे, इधर भी ज्यादा नहीं है, बस ये थोड़ी सी लाइन है। जो यहाँ पर खड़े होते थे ना पहले, वो है ही नहीं। तो भाई अब यार तू क्या कर रहा। तो भाई पेपर हमारा खत्म हो चुका है, हम पेपर दे के आ चुके हैं। फिर कॉल आ गई यार किसी की, रुजा काट दो। तो भाई पेपर खत्म हो गया, अभी बज रहे हैं 5:23 और हम सेंटर से बार बार आ चुके हैं। और अभी हम घर से खाना वाना लाए थे तो वो खा रहे हैं, और सामने पार्क खुला था। तो भाई मैं दिखा देता हूँ, ये हमारा डाइनिंग टेबल है, ठीक है। ये पार्क में स्पेशली हमारे लिए बनाया गया ताकि हम खाना खा सके। और ये हमारा घर का सादा सिंपल खाना। और कुछ लाइंस करण बोलेगा इसके बारे में? लाइंस कुछ नहीं भाई, तो हम पेपर देके आ गए और हमने खाया रोटी, ठीक है। ठीक है भाई, और पेपर होगा, हो गया, जो भी है, जैसा भी था हो गया है। बाकी रिव्यू तो देंगे, अभी बाद में देंगे। रिव्यू देगी ना तू भी? हाँ भाई, रिव्यू तो देना पड़ेगा। भरोसा मत करना देखो। हाँ भाई, बता रहा हूँ, इस पर भरोसा नहीं है। रोटी दरकन होने की, ठीक है भाई, खा के फिर मैं बात करता हूँ आगे। तो भाई अभी हम आ गए वेलकम पे, और अब लेंगे पेपर रिव्यू करण से, वंशिका से, थोड़ा समय बता दूंगा, ठीक है। तुम्हें एक लाइन बोलूंगा समझ जाना, पहले करण से लेंगे, बताओ भाई कैसा था पेपर। भाई देखो, तुम मॉक करोगे ना, तुम्हें ऐसा लगेगा कि हाँ जो लिखने वाला पेपर है वो तो हाँ वैसा ही आएगा। मॉक की प्रैक्टिस तुम करके जाना अच्छे से, तभी तुम्हें थोड़ा फायदा मिलेगा। और जो MCQ है भाई, वो भोकाल है, उनसे बच के रहना, और मॉक पर भरोसा मत करना MCQ के मामले में, क्योंकि बहुत डिफरेंट है भाई, बहुत ही ज़्यादा, सही में बहुत बेकार है। बाकी तुम जो 70 नंबर का वैसा पेपर है रिटर्न, उसके लिए तुम
प्रोविजन में ये तो देखो याद तो करती है सब, ठीक है। अब तुम उसके लिए ना मॉक जरूर देना वो सीरीज वन और सीरीज टू, बाकी अब भगवान जाने क्या होगा पेपर में। एक और डाउट, क्या पेपर लेंदी लगा? लेंदी पेपर भाई, लेंदी के मामले में पेपर यार लेंदी नहीं था, लेंदी नहीं था, सही है। तो और कोई बात आप कहना चाहेंगे? भाई बात यह है भाई, भगवान देख रहे हैं कर देंगे कुछ, देख रहे हैं ऊपर से, ठीक है। वंशिका से पूछते हैं, बताओ भाई कैसा लगा पेपर आपको? पेपर आज अच्छा पेपर था, काफी अच्छा ट्रिकी पेपर था, बट ये लेंदी बहुत था। और पेपर ये मानो जो पेपर इजी आने होते हैं ना, जैसे अकाउंट्स हो गया और लॉ हो गया, वो लेंदी ही आ रहे हैं। तो पता नहीं भाई क्या होगा क्या नहीं, लेकिन मेरा बहुत सारा छूट गया आज, वो इसी वजह से मॉक टेस्ट ही किए थे मैंने। तो इसलिए सबसे पहले तो लॉ में एक मॉक तो जरूर कर लेना कम से कम, जो भी देख रहा है कम जरूर, और लिख के, ऐसे नहीं कि ऊपर ऊपर से देख के, तो एक मॉक तो जरूर कर लेना। अकाउंट्स में कुछ भी छोड़ के मत जाना, जो छोड़ के जाओगे वो पेपर में आया हुआ मिलेगा, इसलिए जो तुम छोड़ने की सोचो पहले उसे ही कर लो। और एक और जो कल तेरा रिव्यू रह गया था अकाउंट्स का, वो और दे दे साथ में। यार अकाउंट्स का पेपर मेरा बिल्कुल अच्छा नहीं गया, मुझे नहीं पता मेरे 40 भी आएंगे या नहीं आएंगे, बहुत बेकार गया मेरा, बहुत ज्यादा बेकार। ये तो सोच रही थी कि मई पे शिफ्ट कर दूं। हाँ मेरे को लग रहा है मैं अभी भी मई 24 में मिलूंगी तुम्हारे से। साहिल भाई की वीडियो देख के मैं पास होऊंगी? ऐसा नहीं है भाई, सब बंदे पास होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं रिव्यू दे दूं थोड़ा सा भाई, मैं रिव्यू बस एक ही बात बोलूंगा, अर्जुन भाई का क्या ये कोई बोल सकता है क्या? अर्जुन भाई, भाई मैं बता दूं उनके बुल साई प्रो नोट्स थे, सिस्टम कर दिया, सिस्टम कर दिया, बहुत बैंग कर दिया। नाच के दिखाऊंगा अभी, नाचूंगा मैं भाई, बहुत वो भी पेपर गया, कोई दिक्कत नहीं हुई, बट हाँ देखो पेपर हमारी तरफ से बढ़िया गया है, अब चेकर करने हो, क्योंकि मैं पता क्या करता हूँ, थोड़ा सा जर्नल नॉलेज के बेसिस पे भी लिख देता हूँ तो इसलिए पता नहीं हो सही होगा नहीं होगा, बाकी देखी जाएगी यार, भगवान ने हमारे साथ पूरी नजर हमारे साथ सीधी बनाए रखा है बिल्कुल सिर पे। तो भाई आ रहे हैं अपने मोमोज, ये भाई दे रहे हैं अपने को, आए कर दो भाई कैमरे में भाई, अच्छा उस बंदे को दिखा दो भाई, तुम्हें कभी भी खाने हो ना वेलकम पे आ जाना, बहुत भयंकर बनाते हैं, और तुम्हें पता ही होगा हम कहाँ से खाते हैं, बस इतना ही जानते हो क्या हमारे बारे में। ले ठीक है भाई, राम राम। तो भाई अभी अपन आ गए हैं अपने स्टेशन पे झिलमिल पे, और मैंने तुम्हें मोस्टली सारी चीज़ दिखा दी है जाते टाइम का। देखो जाते टाइम मैंने ब्लॉग बनाया नहीं, क्योंकि उस टाइम हम थोड़ा पढ़ रहे थे, एक सेकंड ये मेट्रो चली जाए फिर ऑन करता हूँ। तो भाई मैं आ गया हूँ नीचे, और यहाँ पर थोड़ा डिस्कस करते हैं क्या सीन है। देखो लोगों का मैंने डेढ़ दिन में जो स्ट्रेटजी बनाई थी, ऐसे सच मेरे पास कोई स्ट्रेटजी नहीं थी, मैंने सर की वीडियोज़ वगैरह देख ली थी, ठीक है, और थोड़ा चार्ट बुक वगैरह पढ़ी हुई थी, वो सारी रिवाइज कर ली थी, और ऐसे सच मैं तुम्हें बताऊँ तो डेढ़ दिन की कोई स्ट्रेटजी थी नहीं। और मेरे को लग रहा है यहीं पर हम गलती कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास डेढ़ दिन की स्ट्रेटजी है नहीं, हम बस जो रैंडमली मिल रहा है उसे पढ़े जा रहे हैं। तो इस लॉग में मैंने मोस्टली सब कुछ कवर कर दिया है, पहले की तरह थोड़ा एंटरटेनिंग नहीं हो रहा होगा, क्योंकि भाई दिक्कत ऐसी है एग्ज़ाम थोड़े इंटर के हैं और इसमें नहीं कर सकते हो सारा सीन, थोड़ा सा सीरियस रहना पड़ता है और थोड़ा पढ़ना भी पड़ता है, तो दैट्स वाई भाई नहीं कर सकते। और एक और चीज़ मैं लास्ट में बोलना चाहूँगा, तुम्हें अलग से कुछ कंटेंट चाहिए तो बता दो, कि जैसे व्लॉग में ये होना चाहिए कुछ ऐसी टेढ़ा मेढ़ा मत बता देना, बाकी अगर तुम लाइक करोगे ना, लाइक कर दोगे 500 लाइक वाला टारगेट, तो कुछ टेढ़ा मेढ़ा भी कर सकते हैं, बट सबसे पहले कोई अलग से कोई कंटेंट चाहिए नॉर्मली जो हो सकता है, पॉसिबल हो, प्रैक्टिकेबल हो, तो बता देना कर देंगे, कमेंट में जरूर बताना। और भाई व्लॉग देख लेते हो ना, व्यूज़ आ रहे हैं मेरे को दिख रहा है, तो कमेंट भी कर दिया करो, लाइक भी कर दिया करो, मोटिवेशन मिलता है, वरना भाई एग्ज़ाम टाइम में बनाना इतना भी आसान नहीं है जितना लगता है। और एक और चीज़ मैं बता देता हूँ कि मैंने देखा है सब्सक्राइबर्स बंदे देख ले रहे बस सब्सक्राइब नहीं कर रहे, मतलब बहुत ज़्यादा नॉन सब्सक्राइब्ड वालों की परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा भाई जितने बंदे अभी एंड तक देख रहे हैं तो बिना सब्सक्राइब करे मत जाना, और भी तुम्हें नए नए व्लॉग्स वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें आने वाली है, और ये व्लॉग्स तो तुम्हें पता ही है बिल्कुल लास्ट एग्ज़ाम तक रहेंगे। सो भाई कैसा लगा तुम्हें आज का व्लॉग, लाइक करके और कमेंट करके जरूर बता देना, थैंक यू, मिलते हैं तुमसे अगली वीडियो में, थैंक यू एंड पीस आउट, राम राम भाई सारे आने।